जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं बीएल चौधरी, बीएल एजुकेशन मोटिवेशन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर की एक सीरीज, जिसके अंदर हम 300 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे थे, जिसमें से 200 क्वेश्चन हमने 4 क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचे हैं आपके 100 क्वेश्चन, जो मैं 2 क्लास के अंदर आप लोगों के समक्ष कंप्लीट करवा दूंगा। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा और काफी आपको मॉडल पेपर में क्वेश्चन करने के अंदर यहाँ से हेल्प मिल रही होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बनाएं, अपने परिवार से सभी को जोड़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, 201वां क्वेश्चन, जहां से हम शुरू करेंगे 50 क्वेश्चन और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी बचे हुए क्वेश्चन करवा के आपकी कंप्यूटर की जो सीरीज है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है 201, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो पहला क्वेश्चन है 201, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 202, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 203, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम पूछा है तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? यानी कि जो सूचना का पथ है जिसके द्वारा सूचना प्रेषित होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो इंटरनेट को सूचना का पथ कहते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 204 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 205, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी कि जो ईमेल है इसके फाउंडर किसे कहा जाता है या किसे मानते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलिंसन। क्या है? रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 206, WWW के आविष्कारक कौन है? तो पहले हमारे WWW की फुल फॉर्म पूछी थी, आज इसके अंदर पूछा है इसके फाउंडर, तो इसके है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टिम्बरनर्स ली। क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, टिम्बरनर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 207, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TCP/IP, ये है जो इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। राइट आंसर हो जाएगा 207 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 208, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, यानी कि जो सबसे लोकप्रिय पॉपुलर जो गतिविधि है इंटरनेट की वो क्या है? तो ये है संप्रेषण। क्या होता है? संप्रेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? यानी कि जो वेब पेज होता है उसको रिलोड करने के लिए कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेश का। किसका? रिफ्रेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 210, ईमेल लिखना किसे किसके समान है? यानी कि जो हम मेल लिखते हैं ये किसके समान है लिखना? तो इसका हम जैसे लोकल हमारे डेली यूज के अंदर जो इंटरनेट के माध्यम से नहीं हो और हम कागज के माध्यम से जो करते हैं, तो इसके समान कौन सा काम है जो किया जाता है? तो ये पत्थर लिखना के समान है ईमेल लिखना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 210 के अंदर, पत्थर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 211, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो मोशन पिक्चर है, जो एनिमेशन टाइप के होते हैं, उन क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वीडियो एडिटिंग। क्या होता है? वीडियो एडिटिंग। 211 के अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 212, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? यानी कि जो इसमें चार साइन दिए हुए हैं, सैंपल दिए हुए हैं, तो उनमें से हमें बताना है कि कौन सा है जो ईमेल का भाग नहीं, यानी कि मेल लिखते समय काम में नहीं आता है या वहां पे नहीं होता है। तो ए होता है, बी नहीं होता है, सी होता है और डी होता है। @ ये भी काम में आता है, डॉट भी काम में आता है और ये पहले वाला हाइफन है ये भी काम में आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 212 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213, निम्नलिखित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो ये करता है रेडिफमेल, याहू, हॉटमेल, यानी कि ये सभी है जो निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। तो 213 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है? तो ये होती है टूल बार के अंदर। किसके अंदर होती है? टूल बार के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215,
एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था, यानी कि जो एमएस ऑफिस 2000 है जो हम लिखने के लिए काम में लेते हैं एमएस ऑफिस वर्ड, तो वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, किससे, माइक्रोसॉफ्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा 215 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक फाउंडर कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पॉल एलन और बिल गेट्स, ये दोनों है, कौन है, पॉल एलन और बिल गेट्स, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, यानी कि जो विंडोज सॉफ्टवेयर होते हैं इसका प्रयोग, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये आईबीएम द्वारा किया गया है, किसके द्वारा, आईबीएम के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 218, एसएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो एसएस विंडोज है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये जीयूआई प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी 218 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 219, विंडोज 98 का विकास कब हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर सी 1998 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 220, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि जो चिकित्सा शास्त्र के जनक है, फाउंडर है, उनको किसे कहा जाता है, तो ये है हिप्पोक्रेट्स, कौन है, हिप्पोक्रेट्स, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 220 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 221, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, यानी कि जो भारत है इसके अंदर इंटरनेट को प्रयोग करने वाले सर्वाधिक उपभोक्ता कौन से राज्य के अंदर है, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 222, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं, तो ये है अमेरिका के, किसके हैं, अमेरिका के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कुंजी पटल, क्या कहलाता है, कुंजी पटल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 225, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है, तो ट्विटर के सबसे अधिक यूजर है वो टर्की के अंदर है, किसमें है, टर्की के अंदर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड हमारे जो मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी है ये एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी होती है, एप्पल के फोन के अंदर ये आईओएस होती है, और जो हमारे पीसी होते हैं इसके अंदर कौन सी होती है, प्रोसेसर, विंडोज होते हैं इसके अंदर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 227, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है स्क्रीन रेजोल्यूशन, यानी कि स्क्रीन रेजोल्यूशन, आपने देखा होगा कोई वीडियो है जिसका हम रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं तो वो है जो उसकी पिक्चर की क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि इसके अंदर कुछ सेंटीमीटर के अंदर कितने डॉट होते हैं, ये स्क्रीन का हमारा जो रेजोल्यूशन होता है उसी के आधार पर पिक्चर की क्वालिटी डिसाइड होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 227 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीन रेजोल्यूशन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 229, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, तो ये दिखाता है कर्सर, यानी कि जो हम माउस के अंदर पकड़कर एक अंदर में जो बार घूमता है, कर्सर घूमता है, वो हमें पोजीशन दिखाता है कि हम कहां पर अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे या कंप्यूटर में कहां पे काम कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228, अच्छा इसके अंदर एक क्वेश्चन आपके गायब है तो मैं लास्ट में कर दूंगा, हो सकता है वो डिलीट हो गया होगा कैसे करके, तो 229 का हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 228 इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है, मैं बाद में करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 229, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन है जो बता दिया मैंने, ये कर्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 230, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है, तो ये है सेल रेंज, क्या है, सेल रेंज, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं, जो स्टोरेज डिवाइस है इसके मेन फोल्डर को क्या कहते हैं, तो रूट डायरेक्टरी होती है, क्या होती है, रूट डायरेक्टरी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 232, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है फाइल, फाइल मेन्यू है ये, इसके लिए प्रयोग किया जाता है प्रिंट के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो ये एडिट वाला किया जाता है, कौन सा, एडिट वाला,
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 233 के अंदर। 234 नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो ये करता है फार्मूला बार, क्योंकि जो एक्सेल होता है वर्ड एक्सेल, ये फार्मूले के ऊपर बेस्ड होता है और जो हम फॉर्मूला इसके अंदर डालते हैं उसी फॉर्मूले के आधार पर ये अपनी जो हम प्रदर्शन चाहते हैं, जो हम संप्रेषण चाहते हैं वो हमें प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 235, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसके अंदर डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 236, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डाटा डिक्शनरी। क्या कहलाता है? डाटा डिक्शनरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 237, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है स्पेल चेक, यानी कि स्पेल चेक के माध्यम से हम जो स्पेलिंग एरर होता है उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने जो स्पेलिंग लिखा है ये सही है या गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 237 का ऑप्शन नंबर ए, स्पेल आउट, इसके लिए स्पेल चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ये है डॉक्यूमेंट, DOC। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं? तो ये होता है लेफ्ट के अंदर। किसके अंदर होता है? लेफ्ट के अंदर। 239 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं चार्ट विजार्ड के द्वारा, यानी कि चार्ट जो विजार्ड होता है इसके द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 241, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो ये होता है पोर्ट्रेट के अंदर। आपने देखा होगा जब हम प्रिंट करते हैं कोई भी पेपर, तो वो दो मोड के अंदर प्रिंट होता है, एक तो होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप के अंदर जो पेपर होता है इसमें पूरा लंबा छपाई होती है, और जो पोर्ट्रेट होती है वो सीधा पेपर ए4 साइज, जो भी पेपर हम सीधा लेते हैं वैसे उसके अंदर प्रिंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 241 का हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 242, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या बुलाया जाता है या क्या कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहलाता है? सब डायरेक्टरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 243, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसके अंदर हम कहा जाते हैं डाटाबेस। क्या कहलाता है? डाटाबेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 244, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो ये है Ctrl+N। आप लोगों को ये मैं बता दूं, आप जितने भी शॉर्टकट जो की है एक बार ये जरूर पढ़ लें, आप कोई भी बुक में मिले, चाहे RACIT में मिले, चाहे कोई भी वनलाइनर लूसेंट की बुक हो कंप्यूटर की, चाहे कोई भी हो, ये आप शॉर्टकट की है ये एक बार जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+N। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 245, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर के अंदर अगर हम टाइप करते हैं तो उसके नीचे में एक रेड जिगजैग करके लाइन आ जाती है, तो उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है कि हमने जो स्पेलिंग लिखी है वो गलत है, उसके अंदर कोई ना कोई त्रुटि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 246, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो ये करता है एड्रेस। कौन करता है? एड्रेस। जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 247, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये पुणे के अंदर किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 248, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये है गणना एवं तर्क की। क्या होता है? डिजिटल के अंदर गणना और तर्क के ऊपर ये डिसाइड होता है, डिपेंड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 239, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो ये है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 250, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? तो वैक्यूम ट्यूब के कंप्यूटर जो होते थे ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की इस क्लास के अंदर इतने ही 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं दूसरी क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा के आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैंने करवा दिया, आप यहां से रिवीजन कर लेना। इसके अलावा आप RACIT की छोटी वनलाइनर बुक भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, तो यहां से आप अपना कंप्यूटर का पोर्शन बिल्कुल क्लियर कर ले। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने और बनाए। जय हिंद, जय भारत।